अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी खाता है तो उसका पाचन सबसे पहले बिगड़ता है। जैसे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी कैसे जमा होने लगती है, जब कोई व्यक्ति मैदे से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करता है, अचार का सेवन करता है, ठंडा और गर्म एक साथ खाना पसंद करता है, या फिर बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है, बाहरी फूड ज्यादा खाना पसंद करता है, ऐसे व्यक्तियों का पाचन सबसे पहले खराब होता है, जिसकी वजह से त्रिदोष पैदा होने लगते हैं। और जैसे ही त्रिदोष बिगड़ते हैं, व्यक्ति को कई तरह के रोग आने लगते हैं, जैसे श्वसन तंत्र संबंधित रोग आने लग जाएंगे, लंग्स काफी ज्यादा इफेक्टेड हो जाएंगे, एक बार एलर्जी का संक्रमण हो जाएगा, गले की कोई बीमारी होने लग जाएगी और पेट संबंधी काफी सारे रोग होने लग जाएंगे। यानी शरीर के अंदर वात रोग और कफ रोग सबसे ज्यादा बिगड़ने लगेगा। कुछ लोगों का पाचन अगर खराब होएगा तो पित्त दोष भी असंतुलित हो जाएगा। आज जो मैं आपके साथ में उपाय करूंगी, वह आपकी पूरी बॉडी को डेटॉक्स करेगा। यानी कि आपने जैसे ही इसे सप्ताह के अंदर एक बार लिया, आप देखेंगे कि गले संबंधित रोग खत्म हो गए हैं, बार बार एलर्जी खत्म हो गई है, सर्दी जुकाम या श्वसन तंत्र संबंधी कोई रोग होते हैं वह बिल्कुल ठीक होने लगे हैं। अगर बहुत ही ज्यादा कफ बलगम की समस्या है तो वह बिल्कुल सही होने लगेगी, यानी कि आपके फेफड़े काफी मजबूत बन जाएंगे। अगर फेफड़ों में भी बहुत ज्यादा कफ बलगम जमता है तो वह साफ होने लग जाएगा, पाचन पूरी तरह से मजबूत होएगा। कोई सा भी खाना आपने खा लिया लेकिन सप्ताह के अंदर एक दिन इस उपाय को कर लिया तो पाचन पूरी तरह से मजबूत बनेगा, आंतों की सफाई हो जाएगी, उसके अंदर कोई सा भी खाना अगर चिपक रहा होगा, सड़ रहा होगा, तो वह पूरी तरह से साफ हो जाएगा, गला पूरी तरह से साफ होएगा, पेट संबंधी सारे विकार जो उत्पन्न हो रहे थे वह बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे और वात और कफ बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। यानी आप अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। सप्ताह के अंदर एक दिन इस उपाय को कर लीजिए। मात्र 5 रुपए के घर के रखे हुए मसालों से आप इसका प्रयोग करके अपने पूरे सफाई कर सकते हैं अंदर की और आंतों को पूरी तरह से मजबूती मिल सकती है। यहाँ पर हमें सिर्फ 4 चीजों की आवश्यकता है। 3 चीजों का हमें पाउडर बना करके रख लेना है और एक चीज ऐसी है जिसका कि आपको साबुती प्रयोग करना है। पहली चीज यहाँ पर जो हम लेंगे वह होगी छोटी पीपल। छोटी पीपल काफी सारी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, इसके अंदर काफी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो ये हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है। छोटी पीपल श्वसन तंत्र के लिए काफी अच्छी होती है, श्वसन तंत्र संबंधित एक बीमारी नहीं, उसके साथ में जैसे सर्दी जुकाम होता है, साइनस की दिक्कत है, कफ वलगम बहुत ज्यादा जमता है, फेफड़ों में कोई संक्रमण रहता है या सांस की आपको तकलीफ है, अस्थमा है, तो छोटी पीपल का प्रयोग इसके लिए रामबाण का काम करता है और ये पाचन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगर आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है तो पाचन को सुधारता है, बॉडी को डेटॉक्स करने में मदद करता है, तो छोटे पीपल का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पर लेंगे वह होगी दालचीनी। दालचीनी हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है। अगर आपने रोज खाने के अंदर छोटा सा टुकड़ा भी दालचीनी का डाला तो वह डायबिटीज नहीं होने देता, थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होने देता और पाचन पूरी तरह से सही रहता है। तो दालचीनी भी बहुत सारे रोगों को ठीक करती है, जैसे हार्ट को मजबूत करती है, ब्लड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करती है, शरीर में तीनों दोषों पर काम करती है, पेट के लिए रामबाण का काम करती है और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो उसको बिल्कुल संतुलित करने में मदद करती है। तो दालचीनी का पाउडर आपको यहाँ पर यूज करना है। दालचीनी के अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, इतने सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं कि आपके शरीर के सारे रोगों पर ये काम करता है। इसीलिए इसका पाउडर आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, गले संबंधित रोगों को ठीक करेगा और एलर्जी को खत्म करेगा। तीसरी चीज यहाँ पर लेनी है आंवला। आंवला आपको सभी को पता है कि विटामिन सी से भरपूर होता है, ऊर्जा लेवल को बढ़ाता है, ये बालों के ऊपर अच्छे से ग्रोथ करने में मदद करता है, कालापन लाता है बालों के अंदर, तो शरीर के बहुत सारे रोग इससे ठीक होते हैं। यानी आपको स्किन डिजीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये उस पर काम करता है। आंवला भूख को बढ़ाता है, आंवला पाचन को मजबूत करता है और आंवला आपके खून को साफ करता है, आपके तीनों दोषों पर काम करता है। अगर किसी व्यक्ति के बवासीर की दिक्कत होती है तो आंवला उस पर भी काम करता है। अगर आपके खून के अंदर अम्लता बढ़ जाती है तो उस पर भी काम करता है और आंवला काफी सारे रोग
लोगों को ऐसे ही ठीक कर देता है। मतलब 100 बीमारियां तो आंवला खाने वाले को होती भी नहीं है। आप आंवले को कई तरह से ले सकते हैं, यानी आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवला कैंडी ले सकते हैं, आंवले का ऐसे चटनी बनाकर ले सकते हैं, या फिर आंवले का जूस भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आंवला काफी सारी बीमारियों को ठीक करता है। तो हमें यहाँ पर 3 चीजों का पाउडर लेना है। जैसे आपने क्या करना है, 50 ग्राम आपने छोटी पीपल ले ली है, 50 ग्राम में आपने दालचीनी ले ली है, 100 ग्राम आपने आंवला पाउडर लेना है। यानी दालचीनी और छोटी पीपल तो 50-50 ग्राम लेनी है और 100 ग्राम आपको आंवला पाउडर लेना है। तीनों का पाउडर बना करके आप एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर करके रख दीजिए। जब भी आपको सप्ताह के अंदर एक दिन, जैसे कि पूरी बॉडी को साफ करना है, आपने सप्ताह भर के अंदर कुछ भी उल्टा फुल्टा खाया, जैसे मैदे से बनी चीजें खाई है, ठंडा गरम खाया है, या फिर कहीं पर भी कुछ भी बेसन वाली चीजें या कुछ भी आपने खा लिया है, तो ये आपके पेट को पूरी तरह से साफ कर देगा। आपको क्या करना है, 1 कप पानी गर्म करने के लिए रखना है और 1 चम्मच पाउडर इसका डाल देना है पानी के अंदर और अच्छे से बॉईल कर लेना है। फिर उसके अंदर 4 से 5 आपको छोटी किशमिश लेनी है और उसको भी डाल देना है। किशमिश क्या करती है, पाचन को मजबूत करती है, खून को पूरी तरह से साफ करती है, खून को बढ़ाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा इससे और आपके शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाएगी। इस पानी को बनाने पर पानी को मीठापन देगी और इस शरीर की कमजोरी को दूर करने के साथ में ही कब्ज होती है या पुराना अगर आंतों के अंदर गंदगी जमा होने लगती है तो उसको साफ करने में भी मदद करती है। तो यहाँ पर 4 से 5 आपको किशमिश डाल देनी है, अच्छे से पानी को बॉईल कर लेना है और फिर इसे छान करके सिप सिप करके आपको पीना है। ये रात को सोते समय पर आपको 1 खुराक लेनी है। सुबह उठते ही आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा, बॉडी पूरी तरह से डेटॉक्स हो जाएगी और शरीर की कितनी ही जमा गंदगी होगी वह चुटकियों में ठीक हो जाएगी, यानी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपके घर के अंदर अवेलेबल रहती है, बस आपको इसको लेने का तरीका याद होना चाहिए। यह शरीर के काफी सारी बीमारियों को ठीक करेगा, अंदर से आपको काफी ज्यादा स्ट्रोंग बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी को सुधार देगा। तो इस तरह से सप्ताह के अंदर 1 दिन इस पानी को बनाकर शरीर की पूरी गंदगी को आप बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से बॉडी को डेटॉक्स कर देगा, कोलन पर काम करेगा, आपके आंतों की सफाई कर देगा, कब्ज है तो उसको पूरी तरह से साफ कर देगा। बस इस उपाय को करके देखिए, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा और इसे सप्ताह के अंदर 1 दिन अगर कर लिया तो शरीर के सारे रोग खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से बॉडी अंदर से स्वस्थ हो जाएगी। तो बस इस उपाय को आप कर सकते हैं। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी प्रकार से आप बॉडी को डेटॉक्स करते हैं तो खटाई का सेवन ना करें। 4 से 5 दिन तक आपको खटाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, पैकेट वाले आइटम नहीं खाने हैं, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है और ठंडा और गर्म एक साथ नहीं खाना है। अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रखा तो आपकी पूरी बॉडी साफ हो जाएगी, अंदर से पूरी तरह से आते साफ हो जाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ऊर्जा लेवल आपका खुद फर्क महसूस करेंगे आप कि सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं फिर भी थकान नहीं आ रही है और दिन भर की थकान को मिटा देगा, शरीर की कमजोरी को खत्म कर देगा। तो इस तरह से इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।